मोहम्मद रफ़ी शेख साहब, आज आपने जो यहाँ ताजी थी ये मीटिंग रखी थी आपने अपने कांग्रेस की तरफ से, इसका क्या मुद्दा और मकसद था आज की मीटिंग का? शुक्रिया। मैं यहाँ तहसील प्रेसिडेंट कांग्रेस की तरफ से फकसू तहसील का प्रेसिडेंट मोहम्मद रफ़ी शेख उर्फ पिंका, आज जो हमने यहाँ ताज़ीती मजलिस रखी थी यहाँ पे, इसका मेन मुद्दा और मकसद ये था कि हमारा जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का बहुत बड़ा लॉस हो गया है, जिसमें हमारे नाज साहब जो हैं इस दुनिया से इंतकाल कर गए, उसी के सिलसिले में हमने ताज़ीती प्रोग्राम यहाँ रखा था। ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर का बल्कि चिनाब वैली का बहुत बड़ा नुकसान है, ये भरा नहीं जाएगा, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि नाज साहब को जन्नतुल फिरदौस अता करे। और उसके बाद जो नाज साहब ने लोगों के खिदमात किए हैं, बहिश्ते मिनिस्टर, बहिश्ते एमएलए, बहिश्ते एमएलसी, और उससे पहले जो वो बहिश्ते उस्ताद रहे हैं, उस वक्त भी लोगों की खिदमत की है, और उसके बाद जब वो मिनिस्टर बने, एमएलए बने, बहुत सारे लोगों का रोजगार उन्होंने मुलाजमत के जरिए लोगों के रोजगार दे दिया है, और बहुत सारे लोग उन्होंने एडजस्ट किए हैं, मुलाजिम लगाए हैं। तो इसी सिलसिले में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनके जो अहले खाना है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करे।